कि प्रधानमंत्री आकर बोले सरकार को स्थिर करने, या आपको नहीं लगता कि संख्या बल उतना है कि आप चैलेंज कर? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत बार पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो सदन के भीतर आकर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर का, उस पर जवाब दे। उसका मोशन का नतीजा क्या होगा, मोशन कौन हारेगा कौन जीतेगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इस समय सरकार और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी सदन के भीतर आकर जवाब दें, मणिपुर पर अपना मुंह खोलें, मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, इस पर जवाब दें, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता। मैं एक बार आपको विस्तार से फिर से समझा देता हूं, दैट मेनी अ टाइम्स इन इंडियाज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिबेट डायलॉग एंड डिस्कशन विद इन पार्लियामेंट आर एक्सरसाइज्ड रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ दोज मोशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। दीज मोशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सरसाइज्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव of a long duration discussion on an important issue, subsequent to which the Honorable Prime Minister of India is compelled to come to Parliament, compelled to respond to the issues raised by the people and the members of the Lok Sabha. And I think these parliamentary instruments actually strengthen India's democracy and must be exercised time and again to pressurize the government, to compel the government to come before the Lok Sabha and answer questions to which the people of India are demanding answers to.